अभी ठीक करके देता हूँ, इसका भी हम सर्विस करने वाले। संतोष भाई इसका अपॉइंटमेंट लिया है क्या? क्या है, क्या कोर्ट किया है इसको? विनोद भाई इसका अंडरबॉडी इंस्पेक्शन करना है। अरे ये बट इसमें टर्बो का नॉइज था। ये कोइंसिडेंस है कि हमारे पास एक साथ में तीनों कार एक्सीडेंटल वाली आई है एंड तीनों गाड़ी आगे से ही डैमेज हुई है। हाय एवरीवन, दिस इज यश फ्रॉम टीम मोटोफिक्स एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वर्कशॉप ब्लॉग। तो आज है 15th of June सैटरडे एंड आज मैं बता रहा हूँ हमारे वर्कशॉप का एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार से। यह है स्कोडा की रैपिड कार एंड इस कार का जस्ट हमने रेडिएटर सपोर्ट पैनल जो है वो रिप्लेस किया है। ये पूरी तरह से ब्रोकन था जिसके वजह से गाड़ी में रैटलिंग नॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो सारा काम हमने कर लिया है। कार का ट्रायल भी ले लिया है, अभी कार को हम अच्छे से क्लीन करके कस्टमर को डिलीवर करने वाले हैं। दूसरे वे में है हमारी स्कोडा की ऑक्टाविया कार एंड ऑक्टाविया कार भी हमारे पास आई थी सर्विस के लिए, बट इसमें टर्बो का नॉइस था। आपको मैं नॉइस अभी इसके आगे क्लिप के आगे ऐड करके बताता हूँ। तो इसका भी टर्बो चार्जर हम खोल रहे हैं एंड देखते हैं कि ये टर्बो रिपेयर करने जैसा है कि हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तभी टर्बो इसका डिसमेंटलिंग चल रहा है। तो हमारे टेक्नीशियन आदिल भाई ने इस कार का टर्बो चार्जर जो है खोल लिया है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है आदिल भाई हमको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बताइए आदिल भाई। ये टर्बो में इसमें आ गया है प्ले। ओके। इसमें प्ले आने की वजह से जब ये गाड़ी रेस करते सिटी जैसा आवाज आती है। अभी सब जगह से लाइन पैक रहेगी तो अलग जैसी आवाज आती है, लेकिन खोलने के बाद में सिटी जैसा मारती है। ओके। तो मैंने आवाज तो ऑडियंस को सुना है कैसा था, तो ये इसी की वजह से आ रहा था। तो अभी ये टर्बो चार्जर भी सेम हमारे स्टेयरिंग रैक जैसा ही है। आप कह सकते हो कि लैथ वाला चेक करके ही बता सकता है कि उसे रिपेयर करना है कि रिप्लेस करना है। तो पहले तो हम इसे रिपेयर करना करें क्योंकि ये पार्ट जो है काफ़ी महंगा आता है, तो पहले हम इसे चेक कराते हैं। यहाँ पे हमारी कार ह्यूंडई एक्सेंट है एंड इसमें एक्सेल का प्रॉब्लम है। तो मतलब क्या हो रहा है कि कार जब हम सर्विस कर रहे थे तो सर्विस करते टाइम हमने अंडरबॉडी जब इंस्पेक्शन किया तो उसके एक्सेल से ग्रीस लीक हो रहा था। तो उसका वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने उसका भी अलग से वीडियो शॉट किया हुआ है। तो यही चीज़ होती है जब भी आप कार का जनरल सर्विस कराते हैं तो अंडरबॉडी इंस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस कार का आज अंडरबॉडी इंस्पेक्शन नहीं होता तो ये कार ऐसी चलती रहती एंड आगे जाके सारा ग्रीस निकल जाता एक्सेल का एंड एक्सेल को ये डैमेज करता। फिर आगे जाके ऐसा भी हो सकता था कि एक्सेल हमें पूरा चेंज ही करना होता। तो इसका अभी बूट भी हमें रिप्लेस करना है, उसका एक्सेल को प्रॉपरली फिर से ग्रीसिंग वगैरह करके प्रॉपरली चेक करके फिर से रीइंस्टॉल करना है। तो ये एक्सेल को हमने रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ है। तो इसका एक कार अभी ऐसी खड़ी है, यहाँ पे मर्सिडीज की GLS 350D कार। इस कार का फुल सस्पेंशन ओवरऑल हुआ है फ्रंट का एंड रेयर के शॉक एब्जॉर्बर्स और स्टेबलाइजर लिंकेज हमने चेंज किया है। तो ये कार में एयरमेटिक सस्पेंशन है, तो एयरमेटिक सस्पेंशन का पूरा काम किया है, कार का ट्रायल भी ले लिया है। बट अभी बेसिक इसमें छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का काम है, तो हमारे इलेक्ट्रिशियन मनसा भाई वो पूरी कार को अच्छे से चेक कर रहे हैं कि इसमें लाइट्स का थोड़ा बहुत इशू था, इसका रिवर्स कैमरा था वो बराबर काम नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें अभी मनसा भाई अच्छे से इसको चेक कर रहे हैं। तो ये टाटा जेस्ट कार भी हमारे पास जनरल सर्विस के लिए आई थी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम निकला। रिपोर्ट आपको मैंने प्रिंटआउट दिखा देता हूँ। ये तो इसमें मेजरली तो काम में देखते हो बेसिक जनरल सर्विस का वाइपर वगैरह ये सब तो चेंज करना ही है, साथ साथ में इसमें सस्पेंशन का शॉक एब्जॉर्बर चेंज करना है, स्टेबलाइजर लिंकेज। एंड इस कार में एक प्रॉब्लम ये है, इसका हीटर प्लग का जो लाइट है वो कंटिन्यूस आ रहा है, जिसे हम ग्लो प्लग बोलते हैं टेक्निकली। तो ग्लो प्लग का लाइट जो है कंटिन्यूस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ रहा है, तो इसका ग्लो प्लग हमें रिप्लेस करना है। साथ साथ में वाइपर का जो टैंक का जो कैप है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, कूलेंट टैंक इसका पूरा रिप्लेस करना है हमें। तो ये सारे अप्रूवल वर्क है। तो इसमें जो जो काम हुआ है वो सारे काम को टिक करके रखा है हमने, तो ये सारे काम कार के हो चुके हैं। अभी जो पेंडिंग काम है ये हम कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं दूसरे कार्स की। तो यहाँ पे निसान की टेरानो कार है एंड इस कार का है स्टार्टिंग ट्रबल, स्टार्टिंग का इशू है कार में। साथ साथ में कार का जनरल सर्विस तो हो चुका है, तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम इसका स्टार्टर मोटर की वजह से हो रहा था। तो इसका स्टार्टर मोटर अभी हम इसका डिसमेंटल कर रहे हैं कार का एंड उसे हम चेक करेंगे कि वो सर्विस करके उसका काम चल जाएगा कि हमें स्टार्टर मोटर रिप्लेस करना होगा। तभी इसका स्टार्टर मोटर का डिसमेंटलिंग प्रोसेस चल रहा है। स्कोडा की सुपर कार है ये एंड स्कोडा सुपर कार में प्रॉब्लम ये था कि कार जब अबाउट 30 की स्पीड जा रही थी तो उसमें इंजन ऑयल का एक वार्निंग क्लस्टर में शो कर रहा था। तो एक तो इस कार में ऑलरेडी इंजन ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है एंड साथ साथ में इसमें ऑयल प्रेशर स्विच आता है वो ख़राब हुआ है। पूरी कार को डायग्नोस कर लिया हमने, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें पता है।
कभी इसका रिपोर्ट कोटेशन कस्टमर को शेयर किया हुआ है, तो कस्टमर जैसे हमें अप्रूवल देंगे तो हम इसका ऑयल लीकेज और ऑयल प्रेशर स्विच का काम करने वाले हैं। तो ऑयल प्रेशर स्विच जब तक हम रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक इसमें इंजन ऑयल का लाइट ऐसा शो करते रहेगा, एंड ऐसी कंडीशन में कार को चलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसा ऑयल लीकेज इसका जो हो रहा है, तो अगर समझो कि पूरा ऑयल ड्रेन हो जाएगा तो वो इंजन को डैमेज कर देगा, तो इसलिए इसका काम करना तो काफ़ी ज़रूरी है। सो वी आर वेटिंग फॉर कस्टमर्स अप्रूवल। ये मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा कार है, तो इसमें एक्सीडेंटल काम है, तो ये कार आगे से पूरी डैमेज हो चुकी है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आगे से कार कैसी डैमेज हो चुकी है। एंड ये कार का जो काम है हम अंडर इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो ये कार को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो आप देखोगे तो आगे से इसका बोनट वगैरह सारा डैमेज हो चुका है, एंड काम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही है। तो सर्वेयर ने आके कार को पूरे से अच्छी तरह से देख लिया है, एंड हमने भी इसमें जो जो सामान हमें रिप्लेस करना है सारा रिपोर्ट दे दिया है। मेनली तो इसका इंटरकूलर भी डैमेज हो चुका है, जो कि एक्सपेंसिव होता है बहुत। तो ये सारा रिपोर्ट हमने शेयर किया है विद द कोटेशन। अभी इंश्योरेंस कंपनी से हमें जैसे जैसे अप्रूवल आएगा वैसे वैसे हम इस कार का काम शुरू करने वाले हैं। ये ऑल्टो कार है, ये भी फॉर इंश्योरेंस वर्क है, इसमें भी एक्सीडेंटल रिपेयर है, तो इसके भी शॉर्ट्स में आपको दिखाता हूँ। ये आगे से डैमेज है एंड इसका थोड़ा चेसिस भी बैंड हुआ है। एंड ह्यूंडई एक्सेंट कार, ये भी एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए आई है, ये भी आगे से डैमेज हो चुकी। तो मतलब आई डोंट नो व्हाई ये कोइंसिडेंस है कि हमारे पास एक साथ में तीनों कार एक्सीडेंटल वाली आई है एंड तीनों गाड़ी आगे से ही डैमेज हुई है। तो एक्सेंट की क्या कंडीशन है आपको दिखाता हूँ। एक्सेंट कार भी जो है आगे से डैमेज हुई है, एंड ये कार हम इंश्योरेंस में नहीं कर रहे, कस्टमर डायरेक्टली पे करके काम कराना चाहते हैं। तो इसमें भी ऐसे आप बाहर से देखोगे तो आपको इतना कुछ नुकसान दिखता नहीं होगा, पर जैसे हमने कार को चेक किया, बम्पर खोला था हमने गाड़ी का, तो मैंने ऊपर से भी पूरा टूट गया, नीचे से भी टूट गया, रेडिएटर सपोर्ट पैनल इसका भी पूरा टूट चुका है। एंड इस कार का बम्पर हमने खोल के अच्छे से चेक किया, तो रेडिएटर, कंडेंसर, ये सारी चीज़ें इसकी डैमेज हो चुकी है। तो ऐसे बाहर से तो हमें बम्पर से पूरा इसका डैमेज ढका हुआ है, पर इसकी असली कहानी तो बम्पर खोलने के बाद हमें पता चली है। तो इसमें काम तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी इसको भी टाइम लग रहा है। इसमें पेंटिंग का इतना काम नहीं है, बट अंडर मैकेनिकली इस कार में काफ़ी ज़्यादा काम निकल गया है। ऑल्टो में तो आपको मैंने जैसे बताया था, एक कार बहुत दिन से हमारे पास है फॉर इंश्योरेंस वर्क, तो इंश्योरेंस अप्रूवल आने में टाइम लगता है। इंश्योरेंस में आप गाड़ी का काम कर रहे थे तो आप समझ जाओ कि आपको कम से कम 15-20 दिन का तो फुर्सत आप पकड़ के ही चलो। तो दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, सर्वेयर आता है, कार को इंस्पेक्ट करता है, फिर बाद में हमें उनको रिपोर्ट देना पड़ता है, कोटेशन देना पड़ता है, फिर अप्रूवल्स आते हैं। अप्रूवल्स आने के बाद ही हम गाड़ी को हाथ लगा सकते हैं, उसके पहले हम कार को कुछ भी छुएंगे या उसकी कोई भी पार्ट को भी हम हाथ लगाते हैं तो फिर वो इंश्योरेंस पास होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें ज़्यादा मेजर डैमेज है, एक्सेंट में भी मेजर डैमेज है, ब्रेजा में भी मेजर डैमेज है। एंड लास्ट कार फॉर टुडे इज़ होंडा सिटी, जिसका हमने फुल बॉडी ओवरकोट किया है, एंड कार का जो लुक है इतना सुपर्ब है, आई कांट वेट कि मैं आपको इस कार का फाइनल लुक दिखाऊँ। ये गाड़ी जब बाहर निकलेगी, बाहर मतलब धूप में, इसका जो पर्ल वाइट का जो शाइन है जो निकल के आएगा, मतलब आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो अभी देखिए तो कार को अच्छी तरह से हमने पूरा पेंट कर लिया है, पेंट जॉब पूरा हो चुका है, सैंडिंग हो चुका है। तो आप देखोगे तो इसके सारे लाइट्स, इसका डोर के बिडिंग, डोर हैंडल, ये सारा खोल के हमने अच्छे से तरीके से इस कार को कलर किया है। एंड अभी इसका पॉलिशिंग का प्रोसेस चल रहा है, फिर गाड़ी को पूरा फिट करेंगे, एंड फुल पॉलिश होने के बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट्स बताने वाला हूँ। एंड इस कार का मैं एक डिटेल यूट्यूब वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द इसका वीडियो भी रिलीज होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको एक छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कीजिए, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।